हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो नैंड गेट थे उनसे हमने जो नैंड गेट वगैरह बनाए थे बेसिक गेट्स को यूज करके, नैंड गेट एक्सक्लूसिव और एंड नॉर गेट वगैरह यूजिंग बेसिक गेट एंड और नॉट को यूज करके हमने ये गेट्स बनाए थे। और आज का जो टॉपिक है उसमें है हमारे पास बूलियन फंक्शन और कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन। कन्वर्जन क्या होगी कि एक जो फंक्शन है बूलियन फंक्शन उसको हमने जो लॉजिक गेट्स हैं उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बूलियन फंक्शन क्या होता है। सो बूलियन फंक्शन क्या है हमारे पास, इज एन एक्सप्रेशन फॉर्मड बाय बाइनरी वेरिएबल्स ए बी सी को, द लॉजिकल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो एंड और नॉट है, एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स वगैरह एंड इक्वल साइन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द फंक्शन कैन बी इधर जीरो और वन। जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो या वन होगा जो ट्रुथ टेबल में जैसे सिंगल वैल्यू आती है। तो अब ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन। अब इसमें क्या के सेम जैसे डेफिनेशन बेस था कि उसमें हम क्या चीज यूज करेंगे, जो है लॉजिकल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसमें हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो यूज करेंगे एंड और नॉट, और जो फंक्शन है वो क्या परफॉर्म करेगा, एक सिंगल रिजल्ट शो करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है बूलियन फंक्शन है f is equal to x plus y, तो x की वैल्यू अगर 0 और y की वैल्यू 0 तो वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, 0। और अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है तो 1 परफॉर्म करेगा, बिकॉज ये और का ऑपरेटर लगा, जो प्लस होता है वो कहता है और का ऑपरेटर होता है और जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है एंड का ऑपरेटर। तो ये कन्वर्जन के नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बुक में भी है। इसमें यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये चीज इसको हमने कन्वर्ट करना होता है, ये जिसको मेरे कर्सर जो जहाँ पे है इसको अपने माइंड में रखना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, ये बूलियन फंक्शन है इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉजिक गेट में, यही कन्वर्जन है बूलियन फंक्शन की। अब देखिए जहाँ पे निगेशन है वहाँ पे और का ऑपरेटर सॉरी एंड का ऑपरेटर साथ लगेगा, ठीक है, और जहाँ पे निगेशन नहीं है वो सिंपल यूज होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ओरिएंट्स मीन के एंड का ऑपरेटर हमारे पास जो है वो यूज होना है। अब तीनों मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई जी इट्स मीन के एक एंड गेट, ठीक है, एक्स वाई एंड जी, और जी के ऊपर क्या है बार है, इट्स मीन के उसके साथ नॉट का ऑपरेटर भी लगेगा। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन था जिसको बूलियन फंक्शन को जिसको हमने लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट किया था। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास ये कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन में, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है जहाँ पर कर्सर है एफ टू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई की नेगेशन एंड जी, और इसके फाइनल में और ऑपरेटर लगना है। अब सबसे पहले क्या एंड ऑपरेटर चाहिए हमें, किसके लिए, ये वाई और जी के लिए, देखिए वाई एंड जी के लिए, और वाई के ऊपर नेगेशन है तो ये नॉट का ऑपरेटर आ गया, और एक्स के लिए हमारे पास जी है अलहदा से, इसके लिए हमें कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए, ये और का ऑपरेटर डायरेक्टली लगेगा। और ये पीछे जो है ये एक्स नेगेशन वाई नेगेशन और जी के लिए जो ऑपरेटर चाहिए वो, और फाइनल पे वो और ऑपरेटर के साथ ज्वाइंट हो गया। तो ये मेरे पास सेकंड फंक्शन की एग्जांपल थी। थर्ड क्या है मेरे पास, जो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, उसमें क्या एफ थ्री एक्स नेगेशन वाई नेगेशन एंड जी, ठीक है, एंड देखें यहाँ पे कितने हैं, ये मल्टीप्लीकेशन थ्री टाइम्स हो रही है ना, थ्री टाइम्स, ये वन टू और थ्री, इट्स मीन के थ्री एंड ऑपरेटर चाहिए, एंड जो फाइनल है यहाँ पे प्लस तो टू है लेकिन हमने क्या करना है ये इनको फाइनलाइज्ड आंसर कर देना वन और ऑपरेटर में। सो यहाँ पे नेगेशन है एक्स और वाई के साथ तो नॉट ऑपरेटर भी चाहिए, यहाँ पे देखें एक्स और वाई ये उन्हीं को यूज करेंगे, ये एक्स है उसके साथ नॉट लग गया और ये वाई है उसके साथ भी नॉट, और देखें जी के साथ ऊपर कोई नेगेशन नहीं है तो z के साथ नॉट भी नहीं लगा हुआ, तो ये एंड ऑपरेटर लग गए तीन, उसके बाद फाइनलाइज्ड ओके यहाँ पे आ गया। तो ये जो चीज बना रहा है ये मेरा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है ये बना रहा है, उसके बाद जो सेकंड है x नेगेशन y z वो जो सेकंड है ये एंड x नेगेशन y z ये और ऑपरेटर के साथ ज्वाइंट होगा, और थर्ड में
एक्स है, देखें एक्स से लाइन आ रही है ये यहाँ से और ये एंड ऑपरेटर के साथ, और वाई के ऊपर निगेशन है तो वाई से ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इट्स अगर दो वाई है तो दोनों पे निगेशन है, इट्स नॉट मीन कि हमने दो एंड ऑपरेटर सॉरी दो नॉट ऑपरेटर यूज करने हैं, हमने नॉट ऑपरेटर एक ही यूज करना है और उसी से हमने लाइन्स जो है वो ड्रॉ करनी है। तो नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्जाम्पल है मेरे पास F4, ये बूलियन फंक्शन है एक्स वाई एंड जी, एक्स और वाई के ऊपर निगेशन है तो ये एक्स के साथ आ गया आपके पास नॉट ऑपरेटर एंड ये दूसरे एंड के साथ लगेगा, और जो दूसरे एंड के साथ लगा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट वाई के साथ निगेशन है तो फर्स्ट जो वाई है आपके पास इसके साथ निगेशन है, और जी देखें सिंपल जो है वो ज्वाइंट हुआ हुआ है। उसके बाद दो मल्टीप्लीकेशन है ना, एक ये है और एक ये, तो दो एंड के ऑपरेटर यूज हो गए ये। इसके बाद जब ज्वाइंट हुआ तो ये चीज बन गई और ये ज्वाइंट हुआ तो ये चीज बन गई, और उनको लास्ट में और ऑपरेटर के साथ ज्वाइन कर दिए। तो ये थे मेरे पास आज के टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे जो के मैप है उसको डिटेल में। थैंक यू देखेंगे जो के मैप है उसको डिटेल में। थैंक यू।